चलिए स्टूडेंट्स, आज हम फिर से निराला जी की अगली कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है बादल राख। उन्होंने तेज गर्जन करने वाले बादल को क्रांति का प्रतीक, क्रांति का दूत माना है और वो ये कहते हैं कि बादल जो है क्रांति का प्रतीक है। शोषकों का शोषक कौन होता है? जो शोषण करते हैं। और शोषित कौन होता है? जिनका शोषण किया जाता है। विरुद्ध क्रांति ही श्रेयकर है। कवि के कहने का भाव क्या है कि जब समाज में अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब क्रांति लाने की आवश्यकता है। और साथ में उन्होंने इस कविता में यह भी बताया है कि जिसमें से बादल तेज गरजते हैं तो उसमें जो छोटे पौधे हैं, श्यामल पौधे हैं या कृषक वर्ग है, उनके जीवन में संगीत का राग अर्थात खुशी का राग सुनाई देता है। इसके विपरीत जो शोषक वर्ग हैं, जो ऊंचे ऊंचे महलों वाले हैं, पहाड़ हैं, वो टूट कर गिरने के भय से उन्हें लगता है जैसे प्रलय आ जाएगी। बड़े सुंदर शब्दों में उन्होंने कविता लिखी है, आसान सी कविता है, आइए पढ़ते हैं। बिल्कुल आप इसको अपने जीवन से एक एक शब्द को पढ़ते हुए समझेंगे कि तिरती है समीर सागर पर अस्थिर, सुख पर दुख की छाया। समीर का अर्थ है हवा, हवा के सागर पर अर्थात इस संसार में हवा के सागर पर सुख पर दुख की छाया तैरती रहती है। अर्थात दुख अस्थिर का अर्थ है अस्थाई है, कि दुख थोड़ा सा आया है फिर चला, सुख जो है थोड़ा सा आया है और चला गया है। इसका अर्थ है कि सुख थोड़े से समय के लिए आता है और सुख पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी दुख की छाया मंडराती रहती है। कवि कहना चाहता है कि संसार में किसी का जीवन पूर्ण नहीं होता, सबके जीवन में कोई ना कोई दुख या कष्ट छाया रहता है। जग के दग्ध हृदय पर, दग्ध का अर्थ क्या बेटा? घायल, दागा हुआ हृदय, कि संसार के घायल हृदय के ऊपर जो सुख है वह बड़ा अस्थिर है, उस पर दुख की छाया छाई रहती है। निर्दय विप्लव की प्लावित माया यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से। निर्दय का अर्थ है जो दयालु से रहित है, दया से रहित है। विप्लव का अर्थ है क्रांति की, प्लावित का अर्थ है फैलाई हुई माया में हे संसार सागर को पार करने वाले बादल को कहते हैं। कि रणतरी का अर्थ है युद्ध भूमि में तरने वाली नौका जो है आकांक्षाओं से भरी है। अर्थात मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं और वह उन इच्छाओं के नौका के अंदर झूलता रहता है, जहां पर सुख कम है और दुख ज्यादा है। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं हे विप्लव के बादल। हे क्रांति लाने वाले बादल, तेरे घन भेरी अर्थात तेरे बादलों की गर्जन से सजग होकर के सोए हुए अंकुर धरती के हृदय में, सोए हुए अंकुर अनेक आशाओं से नए जीवन की उम्मीद से ऊंचा सिर करके तेरी ओर ताक रहे हैं। अर्थात जो छोटे छोटे किसान हैं वो अपनी फसल को बो करके तेरी ओर ताक रहे हैं कि तू बरसेगा तो उनका जीवन सुखमय होगा, उनके जीवन में कुछ अंकुर फूटेंगे। दूसरा इसमें कवि यह भाव बताना चाहता है कि जब कोई क्रांति आती है तो जो जीवन में कई तरह की उम्मीदें आशाएं लगाए रहते हैं, सोए हुए का अर्थ है कि जिनको जीवन में वैसे कोई उम्मीद नहीं है खुशी आने की, पर जैसे ही कोई क्रांति आती है तो वे नए जीवन की उम्मीद से ऊंचा सिर करके ताकने लगते हैं कि अब उनके जीवन में भी कुछ सुधार होगा। और वो फिर जो है बार बार ताकते हैं विप्लव के बादल अर्थात कोई क्रांति लेकर के आए, ऐसा वो जीवन में सोचते रहते हैं। अब बादल के बारे में कहते हैं कि बार बार तुम गरजते हो और तुम मूसलाधार बरसते हो, हृदय थाम लेता संसार, उसमें जो संसार है वह अपना हृदय थाम लेता। कई बार कहते हैं ना कि बादल इतने तेज और गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, मानो प्रलय आ जाएगी। बादल जब भी तेज बरसेंगे तो बाढ़ आदि प्रलय भी आ जाती है। तो कवि ने क्या कहा है कि जैसे बादल रूपी क्रांति जब बार बार गरजती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो उसकी वज्र के समान कठोर हुंकार को सुन सुन करके मनुष्य जो है हृदय थाम लेता है, सारा संसार हृदय थाम लेता है। अश्नी पास से शायित उन्नत शत शत वीर, शत विशत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। कि ऐसे लगता है कि जैसे बिजली गिर गई हो, बिजली अश्नि का अर्थ है बिजली पात,
बिजली का गिरना से शायित का अर्थ है घबरा करके, बिजली के गिरने से घबरा करके, जो बहुत ऊंचे ऊंचे, शत शत का अर्थ है सैकड़ों वीर हैं, वो शत विशत हत और घायल होकर के, जिनका अचल शरीर है घायल होकर के, वो क्या करते हैं गगन स्पर्शी स्पर्धा दे, जो उन्होंने ऐसे ऐसे वीर बताए जो बहुत उन्नत है, सैकड़ों वीर हैं जिनका शरीर अचल है और जो गगन से भी स्पर्धा करने हीर और वीर हैं, वे जब ऐसे लगता है क्रांति रूपी बिजली गिरती है तो भी छत विषत होकर के घायल हो जाते हैं। इसमें कवि ने ये कहा, कहना चाहा है कि जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाले बड़े लोग हैं, जो शोषक शोषित वर्ग है, उनके जब क्रांति आती है तो शोषक वर्ग जो है घबरा जाता है, अपना हृदय थाम लेता है। आप कभी भी देखते होंगे किसी मूवी वगैरह में भी, किसी आप कभी किसी व्यवहारिक रूप में भी देखा होगा कि जब आम जनता जागृत होकर के किसी भी समस्या के प्रति, किसी भी शोषण के प्रति आवाज उठाती है तो बड़े बड़े गादीपति लोग भी, बड़े बड़े नेता भी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। कवि क्या कहता है कि हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शश्य पार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। कि जब क्रांति आती है तो क्या करते हैं कि छोटे छोटे पौधे जिनमें लघु का थोड़ा सा भार है, जिनमें कोई वजन नहीं होता, शस्य अपार हरे भरे हो जाते हैं, हिल हिल कर खिल खिल कर हाथ मिलाते, हाथों को हिलाते हैं, तुझे बुलाते हैं। क्रांति के रव का अर्थ है स्वर से छोटे ही शोभा पाते हैं। छोटों का अर्थ क्या कि जो निम्न वर्गीय लोग हैं, जब कोई क्रांति आती है, क्रांति का अर्थ क्या है बेटा, जब समाज में कोई परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है तो उस समय क्या है कि बड़े लोग तो डर जाते हैं और जो छोटे हैं निम्न वर्गीय लोग हैं, जो अपनी मेहनत से, जो श्रमजीवी हैं, जो मेहनत से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके जीवन में क्या होता है कि एक हंसी खुशी आती है, एक प्रसन्नता आती है, वो खिल खिल कर हिल हिल कर अपने हाथों को हिला हिला करके उस क्रांति का आह्वान करते हैं, बुलाते हैं। कवि कहता है कि क्रांति के स्वर से सिर्फ छोटे ही शोभा पाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कुछ नया होता है, बड़ों के पास तो पहले से ही सब कुछ होता है। और कवि कहता है कि उस समय जो छोटे लोग हैं उन्हें लाभ होता है, और उसके ठीक विपरीत जो बड़े लोग हैं, अट्टालिका का अर्थ जो बड़े बड़े महलों जैसे घरों में रहने वाले हैं, वो क्या हो जाती है, अट्टालिका क्या बन जाती है, नहीं है रे आतंक भवन। अब ये बड़े बड़े महल भवन क्या लगने लगते हैं, जैसे आतंक भवन है। आतंक का अर्थ क्या है बेटा, डर के घर है, कि जहां पर डर का साया छाया हुआ है, सदा पंख ही पर होता जल विप्लव पलावन। कि जैसे मान लो कोई भारी बारिश आ गई है, पंख का अर्थ है कीचड़, तो उस समय विप्लव का अर्थ क्या है, क्रांति, जल की क्रांति का अर्थ क्या, कि जब तेज बहाव है तो हमेशा कीचड़ पर ही पलावन का अर्थ है, वह कीचड़ को ही बहा करके ले जाता है, कीचड़ का ही पलावन होता है। शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, और जो शुद्र है, प्रफुल्ल है, अर्थात जो कीचड़ है वो तो बह के चला जाएगा, और जलज का अर्थ क्या है, कमल का पुष्प, जो शुद्र है वो प्रफुल्ल अर्थात प्रसन्न चित्त से जलज अर्थात कमल के पुष्प की तरह सदा स्वच्छ पानी में खिला हुआ रहता है। शूद्र का अर्थ यहाँ पर क्या है बेटा, कि जो निम्न वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत कश श्रमजीवी हैं, वो हमेशा प्रसन्न होकर खिले हुए कमल के समान जल पर छलकते रहते हैं, खिले रहते हैं। शोक रोग रोग आएगा बेटा यहाँ पर, बुक में शायद मिस प्रिंटिंग है, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। जो शैशव का सुकुमार अर्थ है नाजुक कोमल सा शरीर है, अर्थात जो बाल्यावस्था का शरीर है वो हमेशा अगर बीमार है, कष्ट है, तो भी हंसता रहता है। इसमें कवि ने क्या कहा है कि जो छोटा है अर्थात जिसका मन साफ है, स्वच्छ है, बालक को हम क्यों क्या कहते हैं कि उस किसी का बच्चे जैसा मन है, अर्थात उसमें किसी भी तरह का वैर भावना द्वेष कोई भी कलुष नहीं है, तो कवि क्या कहना चाहता है कि ऐसा जो शरीर है, शैशव का शरीर का अर्थ है कि जिसका हृदय, जिसका मन शैशव अर्थात बच्चे जैसा है, वह रोग हो या शोक अर्थात कष्ट का समय है तो भी हंसता रहता है। रुद्ध कोष है शुद्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं। रुद्ध कोष का अर्थ क्या है, कोष का अर्थ है खजाना, उनका खजाना रुका हुआ है। शुद्ध तोष, उन्हें किसी तरह के संतोष नहीं है। अब दूसरी तरफ कवि क्या कहता है कि अंगना अंग से लिपटे भी, कि उनके जीवन में सारी तरह की सुख मौजूद है,
फिर भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, लेकिन फिर वो डरे हुए हैं। कवि क्या कहता है कि जब क्रांति आती है तो जो बच्चे जैसे हृदय के वाले हैं, जिनके जीवन में किसी तरह का द्वेष भावना नहीं है, बुरी भावना नहीं है, जो अपनी ईमानदारी से, मेहनत से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, वो तो प्रसन्न होते हैं। उनके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। जबकि उसके विपरीत जो बड़े बड़े महलों में, अट्टालिकाओं में रहने वाले लोग हैं, वे ऐसे रहते हैं कि जैसे आतंक के भवन में रह रहे हो। उन्हें अपनी पोल खुल जाने का, अपने जो बुरे काम हैं उनके पर्दाफाश हो जाने का डर लगा रहता है। डरे डरे से रहते हैं, आतंक अंक से कांप रहे हैं, घनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे बादल अर्थात जब क्रांति के रूप में बहुत तेज गर्जन करते हैं, त्रस्त का अर्थ है डरे हुए, आंखों को वे मुख से ढांप रहे हैं। जीर्ण बाहु है क्षीण शरीर, जो तुझे बुलाता कृषक अधीर। दूसरी तरफ जो किसान है, जिसकी भुजाएं भी जीर्ण है, जीर्ण का अर्थ है टूटी फूटी सी है, अर्थात कमजोर है, क्षीण शरीर, उसका शरीर भी हत है, अर्थात घायल है, उसके शरीर पर भी कोई खास ताकत नहीं है, क्योंकि वह बहुत मेहनत करता है। वो ऐसा अधीर होकर के किसान, हे विप्लव के वीर, हे क्रांतिकारी वीर बादल, तुझे बुला रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन का सारा सार तो शोषकों ने चूस लिया है, अर्थात गरीबों का खून चूस चूस करके ही तो वो सब अमीर बने हैं, जो जमींदार लोग हैं, जिनको वो संकेत के रूप में बताना चाह रहा है कि उनका सारा शरीर की ताकत को किसी ने चूस लिया है। बड़े जीर्ण क्षीण शरीर के साथ, टूटे फूटे शत विशत शरीर के साथ, अधीर होकर के, व्याकुल होकर के तुझे बुला रहे हैं। हाड़ मात्र ही है आधार हे जीवन के, उनके पास शरीर जो है वो सिर्फ हड्डियां बची। आपने देखा होगा कुछ लोग इतने कमजोर, इतने कंकाल जैसे होते हैं, आप कई बार कहीं देखते हैं, अगर इतिहास पढ़ते हैं, कि दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से, सूखी रोटी भी बड़ी मुश्किल से मुहैया कराई जाएगी, और उनसे दस दस आदमियों का एक व्यक्ति से काम लिया जाता है, बिल्कुल हड्डियां हड्डियां दिखने लग जाती हैं, अधीर होकर के वो उनके जीवन के पारावार करते हैं। आधार ही सिर्फ तुम हो और वो तुम्हें बुलाना चाहते हैं। पूरी कविता का अगर आप कुछ लाइनों में सार जानना चाहते हैं, तो कवि ने बादल को क्रांति का प्रतीक या दूत माना है, अर्थात डायरेक्ट किसी को नहीं कह सकते, प्रत्यक्ष रूप में से कवि नहीं कह सकता, वो किसी के माध्यम से कहता है कि तुम क्रांति के रूप में संसार में आओ, तुम संसार में क्रांति लेकर के आओगे, अर्थात संसार में जब क्रांति आएगी तो जो निम्न वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, जिनका हृदय एक बालक के समान साफ सुथरा और स्वच्छ है, जिन्हें यह भी नहीं पता कि दुख है सुख, हर हालत में भी खुश रहते हैं, उनको बड़ा लाभ होता है। वे हंसते हैं, खिलते हैं, कि जैसे तेज बारिश आती है तो छोटे छोटे पौधे खिलते हैं, धरती से अंकुर के रूप में फूटते हैं। इसके विपरीत जो शोषक वर्ग है, जो दूसरों का खून चूस करके बड़ा बना है, वे डरे डरे रहते हैं, आतंक के साए में रहते हैं। और कवि कहता है कि जो कृषक है, जो किसान है, जो श्रमजीवी है, जो दुखी जन है, उनके जीवन में क्रांति बन करके तुम्हें आना ही होगा, क्योंकि तुम ही उनके जीवन के एकमात्र आधार